फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द चैनल। सबके पास चूड़ियों का बहुत सारा पिटारा होता है, तो कुछ चूड़ियाँ कभी कभी क्या होता है पुरानी हो जाती है। जैसे मेरे पास ये बैंगल्स थी जो पुरानी हो गई थी, लगभग 5-6 साल पुरानी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको ही थोड़ा सा रीयूज़ करूँ। मेरे पास ये फ्लावर वाली लेस बहुत सुंदर सी रखी हुई थी और ये जो बैंगल्स है वो थोड़ी सी डल हो गई थी, मतलब लुक नहीं आता था इसको पहनने पर, तो मैंने सोचा इसको चेंज किया जाए। तो सबसे पहले मैंने इस पर लगाया फैब्रिक कोर और बहुत ही क्विक और ईजी, मतलब ये ट्रिक है, करना कुछ नहीं है, बस आपको कोई भी अच्छी आपकी पसंद की लेस ले लीजिए और ये फेविकोल की हेल्प से उसको इस पर पेस्ट कर दीजिए। मैंने इस पर कोई भी दूसरा फैब्रिक या कुछ नहीं लगाया, नहीं तो वरना ये बैंगल ना छोटी पड़ जाती थी मुझे। आप चाहो तो वो भी लगा सकते हो, मतलब उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है। ये ट्राई होने के बाद ये फेविकोल भी सूख जाएगा और ये बहुत अच्छा दिखेगा और ये एक नया लुक आपका जो बैंगल का हो जाएगा। बस इसे पानी से हमें बचाना है। बाद में मैंने इसमें क्या किया था, लास्ट में फैब्रिक विक्स की हेल्प से इसको परमानेंटली सिक्योर कर दिया था, निकलने का झंझट ही ख़त्म। अब दोनों मेरे जो है बैंगल्स बन के रेडी हो गई, तो मैं आपको इसको सेट में लगा कर दिखाती हूँ। बहुत सुंदर लग रहे थे ये, तो वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए मैंने इसको जब सेट में लगा कर देखा तो एक बहुत सुंदर लुक आ रहा था। और आप भी ऐसे अपने किसी भी बैंगल्स को ले सकते हो, बना सकते हो, बहुत इजी और क्विक मेथड है ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग।